आज यहां पर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विगत पौने 6 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रही है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति बहुत खराब थी और मैं स्वयं एक जनपद में गया था तो जिला मुख्यालय के पास एक विद्यालय था। मुझे वहां के प्रधानाचार्य ने बताया, वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय इस बार बंद हो जाएगा, हम वहां पे जो हमारे 2-3 शिक्षक हैं इनका क्या करें। तो मैंने कहा शिक्षा विद्यालय बंद हो रहा है तो शिक्षकों को घर भेजो, तो रह करके क्या करेंगे। लेकिन मेरे मन में आया कि वास्तव में आखिर बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति लोगों के मन में इतना वैराग्य भाव क्यों है, क्यों नहीं बच्चे जा रहे हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वहां पे पठन पाठन का उचित माहौल नहीं है, या फिर किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसा कारण जरूर है कि लोग वहां पर आना नहीं चाहते, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहते। मैंने वहां पर उन लोगों के सामने एक टारगेट दिया था कि भाई देखो आप ये सुनिश्चित करो कि जो जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षा मित्र हैं लोग एक एक घर में जाकर के लोगों की काउंसलिंग करें, स्कूल जाने वाले हर बच्चे को, वह बालक हो या बालिका हो, स्कूल लाने के लिए प्रेरित करें। मैं जब बुंदेलखंड की यात्रा में निकला था तो ये बुंदेलखंड में मैं देखता था कि बच्चे स्कूल जाते थे तो नंगे पैर जाते थे, बिना यूनिफॉर्म के जाते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि अंडरवेयर पहना है ऊपर शर्ट, बिना शर्ट पहने स्कूल में जा रहा है। और बालिकाओं की संख्या खासतौर पर नंगे पैर चलने की स्कूल में जाने की बड़ी संख्या थी। तब हम लोगों ने तय किया कि एक बेसिक शिक्षा परिषद के हर स्कूल में हम बालकों को यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स भी देंगे, जूते मोजे भी उपलब्ध कराएंगे, स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे और वर्तमान में 1,95,00,000 बच्चों को शिक्षा हम लोग डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प का एक कार्यक्रम चलाया गया। ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से जन सहभागिता का कार्यक्रम है, बाद में हमने कन्वर्जन के माध्यम से भी और शासन से भी कुछ धनराशि भी उपलब्ध करवा करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। मुझे प्रसन्नता है कि ऑपरेशन कायाकल्प ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के वास्तविक कायाकल्प को आगे बढ़ाने में मदद की। लेकिन जो पहला विद्यालय मेरे सामने आया था, आज मुझे प्रसन्नता होती है उस विद्यालय में 350 से अधिक बच्चे हैं और बहुत अच्छा चल रहा बेसिक शिक्षा परिषद का विद्यालय। यानी अगर हम ध्यान दें तो क्या नहीं हो सकता। और विगत 5 वर्ष के दौरान कोरोना जैसी महामारी के बावजूद इन स्कूलों में बच्चों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। उस बढ़ोतरी को देखते हुए मेरा मानना है प्रदेश भर में अगर हम देखेंगे लगभग 60,00,000 बच्चे अतिरिक्त बढ़े हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में। ये संख्या दिखाती थी कि इतने बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाते थे या उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था या उनके पास उस प्रकार के साधन नहीं थे। आज वे सभी स्कूल जा रहे हैं, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और इस दौरान अनेक कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रारंभ किए, खासतौर पर निपुण भारत कार्यक्रम जिसमें अभी विद्या समीक्षा केंद्र का एक उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। इसके अलावा प्रदेश भर में अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये सभी बहुत ही रचनात्मक है, बहुत ही सकारात्मक है। और ये चीजें दिखाती हैं कि अब सर्वे दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा के बेहतरी के लिए जो प्रयास हुए हैं उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने आज दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में यूपी बोर्ड के हर केंद्र में लगभग हर जनपद के अंदर नकल एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है, उस पर प्रभावी अंकुश लगाया गया।
आज प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली पिछले 3 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी के कारण रेगुलर परीक्षा कराने में कुछ दिक्कतें हुई। 21-22 में हम लोगों को 20-21 में तो बच्चों को प्रमोट करना पड़ा था, लेकिन फिर भी जहां पे परीक्षाएं होती थी उसमें देखने को मिला कि उससे पहले भी कि किसी भी जनपद की पूरी परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया, उसकी शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने में पूरी मदद की गई, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और आगे भी बच्चों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्म ले, वो विद्यालय स्तर पर हो, अभिभावक बच्चों को उसके लिए तैयार करें, दुनिया के अंदर अपनी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना ये अच्छी बात है, लेकिन किसी बच्चे को इसके लिए बाध्य नहीं करना, बहुत दबाव नहीं बनाना, आखिर जिसकी जितनी क्षमता होगी उसके बौद्धिक और उसके शारीरिक विकास के अनुरूप उसकी जितनी क्षमता होगी उतना परिणाम दे देगा, लेकिन उससे अतिरिक्त दबाव बना करके हम उसके साथ अन्याय करते हैं। और अक्सर ये होता है कि बच्चा अवसाद में चला जाता है, तनाव में रह करके कि ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक हो या अच्छा करने के लिए लोगों के मन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव हो, ये अच्छा है, लेकिन हम दबाव बना करके या शॉर्टकट का रास्ता अपना करके उसे सफलता की ओर अग्रसर करने का प्रयास करें, ये उसके लिए घातक हो सकता है। इस पर ही आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर एग्जाम वॉरियर्स नाम की जो पुस्तक लिखी है और आज परीक्षा पे चर्चा पर कुछ ही देर में उनका मार्गदर्शन पूरे प्रदेश और देशवासियों को प्राप्त होने जा रहा है, खासतौर पर बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले या हर उस छात्र के लिए उपयोगी है जिससे भविष्य में किसी न किसी परीक्षा का सामना करना है। इस दौरान बहुत सारे बच्चे अवसाद में आकर के कुछ गलत कदम उठा देते हैं, इस प्रकार की स्थिति नहीं न हो, और इसलिए हमारा सभी लोगों से यह अपील होगी कि छात्र छात्राएं भी अवसाद से मुक्त होकर के, तनाव से मुक्त होकर के इसके लिए अपने आप को तैयार करें। इसी प्रकार से अभिभावक भी और विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधन भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा तनावपूर्ण माहौल परीक्षा के दौरान नहीं होना चाहिए। इस पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कुछ ही देर में प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेश भर के अपने सभी मेधावी छात्रों को हृदय से बधाई देता हूँ। कुछ अच्छा करने का एक भाव उनके मन में हो, लीक से हट करके कुछ नया करने का एक भाव उनके मन में हो, इस विश्वास के साथ जो पिछले 6 वर्ष के अंदर परिवर्तन प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्कूली शिक्षा में किया है इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।